तो जय हिंद दोस्तों, हम पहुंच गए हैं आज ITBP कैंप रांची, जहां पे अभी SSC GD की मेडिकल चल रही है। आज मेडिकल हो रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक वन और ब्लॉक टू, मतलब रांची सेकेंड और रांची फर्स्ट किस तरह से देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं मेडिकल के लिए और उनसे बात भी करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह से आपको आना है, क्या क्या लेके आना है, सारा कुछ बताएंगे। कितने बजे आना है और आपकी मेडिकल कैसे होती है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं ITBP कैंप, जहां पे रांची वन और रांची टू का मेडिकल चलने वाला है। जैसा कि अभी मेडिकल चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का मेडिकल होने वाला है, बहुत सारे भाई का। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट चेक स्टार्ट हो गया है। मतलब जैसे कि देखिए, क्या है कि आपका रिपोर्टिंग रहेगा 5 बजे, ठीक है। हम भी बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन 5 बजे रहेगा तो आप आराम से, कितने बजे आ सकते हो आप आराम से, फ्रेश व्रेश होके आप आ सकते हो आराम से 5:30-6 बजे तक आओ, 5:30 तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत वहाँ भी 5:30 से आने के बाद आपको सेकेंड, आपका रांची जैसे देख सकते हो आपका सेकेंड और फर्स्ट दोनों एक ही गेट है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों एक ही गेट है, कोई अलग गेट नहीं है। बहुत कोई को कंफ्यूजन होता है कि गेट नंबर वन और गेट नंबर टू में, तो ऐसा नहीं है, गेट वन है और लोकेशन वही है। देख सकते हैं मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ, इस साइड से आपको आना है और आपकी जो मेडिकल है वो मेडिकल इसके अंदर चलेगी, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, कैसे क्या करना है। तो आप जब मेडिकल के लिए आओ तो आप एक चीज़ की बात याद रखो कि सारे डॉक्यूमेंट लेके आना है आपको। और जैसे कि यहाँ क्या है कि एक एक करके आपको अंदर किया जाएगा, उससे पहले आपका यहाँ पर रोल नंबर चिपकाया जाता है, ठीक है। रोल नंबर चिपकाया जाता है, हम रोल नंबर भी चलेंगे अंदर और रोल नंबर भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। लाइन लगना स्टार्ट हो गया 5 बजे, 5:30 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो गया, 5:30 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आते के साथ आपको बोला जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट निकालो। क्या निकालो? डॉक्यूमेंट निकालो। जिस तरह से ये भाई देखो डॉक्यूमेंट निकाल रहा है, अपना एडमिट कार्ड, जैसे फिजिकल की जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको निकालने को बोल दिया जाएगा और फिर आपको लाइन लगने को बोला जाएगा। उसके बाद आपका आपको अंदर किया जाएगा, कैसे अंदर किया जाएगा वो भी आपको सामने से दिखाएंगे। चलिए तो देख सकते हैं, जैसे कि ये जो है इस साइड अभी दो रो में बटा हुआ है, एक साइड रांची वन और एक साइड रांची टू गेट एंट्री हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि जब आप इस जगह पे लोकेशन पे आओ तो 5:30 बजे आ सकते हो। अपने साथ पानी उनी लेके आना है, जब भी आना है मेडिकल के लिए तो अपने साथ पानी वानी लेके आना है और अपने किसी गार्जियन को लेके आना है। मतलब आप अकेले भी आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और बैग वैग सब अंदर लेके जा सकते हैं। फ़ोन यहाँ पे आते के साथ ही आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाने के बाद आप किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट लेके ही आना, ठीक है ना। और अब हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पे लग रहा है इसमें। आज की वीडियो में डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पे आने के बाद आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लाइन लगने होता है, उसके बाद ही एंट्री होती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा चलिए देखते हैं। तो देख सकते हो रिक्वायरमेंट ITBP रांची का है ये, और सीक्वेंस वाइज यहाँ डॉक्यूमेंट है, आवश्यक सूचना है, और यही है गेट भाई, इसी में आपकी भर्ती की प्रक्रिया चालू होती है। मेडिकल के लिए आपको यहीं पे बुलाया जाएगा, ठीक है। और यही है ITBP रांची ब्लॉक सेकेंड और ब्लॉक फर्स्ट, दोनों यहीं है, देख सकते हैं, बोर्ड सेकेंड फर्स्ट दोनों यही हैं, जैसे देख सकते हो। अब मैं बता दूं डॉक्यूमेंट के सीक्वेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th मार्कशीट, ठीक है, और देख सकते हो, और SSC ST OBC सब, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमेशियल सर्टिफिकेट चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट आपको शुरू में ही लेके आना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यक सूचना, इम्पोर्टेंट नोटिस, दलालों से सावधान रहें, भर्ती के लिए रुपए कोई देना ज़रूरी नहीं है इसीलिए। और गेट यही है भाई, इसी में आपका एंट्री होगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यही है ITBP रांची की गेट एंट्री। यहाँ गेट एंट्री कितने बजे होती है? 5 बजे आपकी गेट एंट्री
हो जाएगी। इस बात की आपकी आपको ध्यान रखना, आप 5:30 बजे तक आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाओगे भाई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आराम से फ्रेश व्रेश होके आना, कुछ हल्का खा लेना है, आते के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट के लिए बोला जाएगा, ये बात की आपको ध्यान रखनी है। तो देख सकते हो आप आराम से यहाँ पर भर्ती स्टार्ट हो गया, मतलब SSC GD की जो मेडिकल है, लाइन भीड़ हो गया भाई खचाखच, 6:30 बजे तक भीड़ हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो हर भाई को हर डॉक्यूमेंट के लिए बोला जा रहा है, भाई का डॉक्यूमेंट छूट गया है, लेकिन ये मंगाया डॉक्यूमेंट जिसके पास, देखिए अगर डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो लाने का टाइम भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 6 बजे तक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री मिल जाएगा। देखिए किस तरह से लाइन लगा हुआ है, देखिए इस तरफ से ग्रुप 1 ग्रुप 2, मतलब जैसे देखिए उधर गेट नंबर 1 है इस साइड में, राइट साइड में गेट नंबर 1 और लेफ्ट साइड में गेट नंबर 2, दोनों में आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, और दोनों में डॉक्यूमेंट चेक होगा, दोनों में लाइन बनेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। आने के साथ डॉक्यूमेंट अपना सारा कुछ लेके आना है, एडमिट कार्ड रंगीन प्रिंट होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, एडमिट कार्ड रंगीन प्रिंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ST OBC जो भी आपका है वो चीज़ होना चाहिए, डोमिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्थानीय निवासी जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस जो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले में ही देना होगा। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों की यही रहता है ना कि ब्लॉक 1 किधर है, ब्लॉक 2, मतलब फर्स्ट में एंट्री किधर है, एंट्री देखो उस साइड जो फौजी साहब है वो है, जो उस साइड है वो है ब्लॉक 2, मतलब रांची 2, और इस साइड है जो वो रांची 1, दोनों एक ही जगह है लेकिन अलग अलग एंट्री हो रहा है, मतलब गेट मतलब जो बीच में बैरिगेडियर दिया हुआ है उसी से ही बस उस साइड सेकेंड और इस साइड फर्स्ट है, ठीक है, आगे देखते क्या क्या हो रहा है। तो भाई आते के साथ देखिए फ़ोटो भी चाहिए आपको और सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए, और डॉक्यूमेंट के बाद ही आपको एंट्री होगी। आते के साथ सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट निकाल लो, और डॉक्यूमेंट निकाल के आपको रेडी हो जाना है लाइन लगने के लिए, और जब मेडिकल के लिए आओ तो अपना हाफ पैंट लेके आना है, याद रखना हाफ पैंट, और बाकी तो आपको पता ही है सब कुछ साफ वाफ करके आना रहता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार बोला जाता है, और वैसा कुछ पहन वहन के भी नहीं आना है, हाथ में कड़ा उड़ा सब चीज़ साफ उफ करके आना है, क्योंकि मेडिकल है भाई, मेडिकल में आपको सब कुछ क्लीन रहना चाहिए। और भाई देखिए किस तरह से आते ही सात भाई लोग, सारे भाई लोग डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, तो जी हाँ आप भी जब जाओगे ना तो आपको भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आना भाई, क्योंकि देख सकते हो एडमिट कार्ड से लेके सब कुछ, इसमें एडमिट कार्ड रंगीन प्रिंट है तो आपको भी रंगीन प्रिंट लेके आना है, पैन कार्ड लेके आना, आधार कार्ड लेके आना, सारा डॉक्यूमेंट लेके आना है। आते के साथ ही आपको बोल दिया जाएगा कि सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट निकालो, उसके बाद आपका दिखा दिया जाएगा, जो भी है लिया जाएगा एंट्री, पहले डॉक्यूमेंट निकालना है आपको। तो देख सकते हैं ये भाई से हम लोग पूछते हैं कि भर्ती कब हुई थी इसकी, देख सकते हो एडमिट कार्ड रंगीन प्रिंट चाहिए, और इसी तरह से आपको भी बाल दाढ़ी सब कुछ बना के आना है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ, मैं फिर से बता दूं आपको कि इस तरफ राइट में अभी ब्लॉक 1 और लेफ्ट में ब्लॉक 2, मतलब रांची 2 उधर और इधर रांची 1, आप बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं बहुत सारे बच्चों को, तो यही है ITBP की कैंप जहाँ पे SSC GD का मेडिकल चल रही है रांची की। भाई मैं बार बता दूं कि इसके आसपास रहने की कोई सुविधा नहीं है, तो आप जब भी आओ कहीं दूर से आ रहे हो तो अपने रहने की सुविधा देख लेना भाई, पहले आ जाना, क्योंकि यहाँ पे कोई रहने की सुविधा नहीं है अवेलेबल, क्योंकि आसपास कोई घर वर भी नहीं है, बिल्डिंग विल्डिंग होटल वोटल भी नहीं है, इस बात की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जब आप आओ तो। और यही था भाई आज का इन्फॉर्मेशन SSC GD के मेडिकल के ऊपर की, और कहाँ कैसा स्थान है वो भी मैं बता दिया हूँ, और वीडियो कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इसी तरह का डिफेंस लाइन से नोटिफिकेशन के लिए और रनिंग नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पे इफेक्ट और जो भी जानकारी दी जाएगी 100% सही जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।